खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेथी और पालक का चीला। मेथी और पालक का चीला बनाने के लिए एक कटोरी बारीक कटी हुई पालक ली है। पालक को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लिया है, टहनी हटा दी और पत्ते पत्ते ले लिए हैं। फिर पालक को अच्छे से धुलने के बाद इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से सेम उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी मेथी ली है। मेथी से भी सबसे पहले टहनियां हटा दी और पत्ते पत्ते ले लिए हैं। इसके बाद मेथी को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद इसको एकदम बारीक बारीक देखिए काट लिया है। उसी सेम कटोरी से मैंने एक कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर ली है। गाजर को भी एकदम बारीक बारीक कद्दूकस किया है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे एक कप बेसन। चीले को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 4 चम्मच बारीक वाली सूजी, 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आटे में ऐड करेंगे कुछ मसाले, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम कलर के लिए डाल रहे हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से हथेली पे लेंगे, इस तरीके से क्रश कर लेंगे। अजवाइन डालने से चीले में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से हाजमा वगैरह अच्छा रहता है। 1 चम्मच हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, पानी को एक साथ डाल देंगे तो घोल में गुठलियाँ रह सकती हैं, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे। घोल को इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए फेंट लेंगे। देखिए घोल को अच्छे से फेंट लिया है, इसमें कोई गांठ नहीं है, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। घोल अभी गाढ़ा है, इसको और पतला करेंगे, एकदम इसका पतला पेस्ट बना के तैयार करेंगे। घोल में पानी को अच्छे से मिला लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरीके से रखा है। घोल में डालेंगे बारीक कटी हुई पालक, साथ में ही डाल देंगे बारीक कटी हुई मेथी, कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां मिक्स होने के बाद घोल काफी गाढ़ा हो गया है, इसमें पानी और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ में ज्यादा पानी डाल देंगे तो घोल बहुत ज्यादा पतला हो सकता है। देखिए घोल की कंसिस्टेंसी को इस तरीके से रखा है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इसमें आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह को भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। देखिए परफेक्ट घोल बनके तैयार हो गया है। इस घोल में लगभग हमने 2 कप पानी का यूज किया है। आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है, इस तरीके से घोल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चीला बनाने के लिए तवा लिया है, तवा को गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। तवा गरम हो रहा है तब तक इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद तवा को अच्छे से गरम कर लेना है। जब तवा अच्छे से गरम हो जाएगा तभी इसके ऊपर घोल को डालेंगे। तवा अच्छे से गरम हो गया है, घोल को पहले इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब घोल को चमचे में इस तरीके से भर लेंगे। आप कोई चमचा या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। घोल को इस तरीके से तवा के ऊपर डाल देंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही चीला को थिक होने देंगे। चीला के किनारों पे इस तरीके से तेल डाल देंगे जिससे कि चीला आसानी से छूट जाए। इसके ऊपर भी हल्का सा तेल डाल देंगे। चीला जब अच्छे से थिक हो जाएगा तब इसको पलटेंगे। चीला अच्छे से थिक हो गया है, देखिए किनारों पे ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से छुटाएंगे इस तरीके से। देखिए कितनी आसानी से चीला छूट गया है। अब इसको पलट देंगे।
दूसरी साइड में भी चीला को अच्छे से सिकने देंगे। दोबारा से चीला को पलट लेंगे। चीला को उलट पलट के दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इस तरीके से चीला को दबा देंगे जिससे कि चीला दूसरी साइड में भी अच्छे से सिक जाए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही चीला को सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे से चीला सिक के आ रहा है। चीला दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। चीले को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब इसके ऊपर पनीर को इस तरीके से कस लेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला। अब चीले को इस तरीके से पलट लेंगे। अब इसको तवा से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा चीला बन के आ रहा है। इसी तरीके से तवा को दोबारा से ग्रीस करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। घोल को दोबारा से मिक्स करेंगे। घोल को मिक्स करने के बाद इसको चमचे में इस तरीके से भरेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही चीला को थिक होने देंगे। चीला थिक हो गया है। अब इसके किनारों पे तेल डाल लेंगे। हल्का सा तेल इसके ऊपर भी लगा देंगे। चीला किनारों से ब्राउन दिख रहा है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से छुटा लेंगे। अब इसको पलट देंगे, हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। दूसरी साइड में भी चीला को अच्छे से सिकने देंगे। देखिए कितने अच्छे पालक और मेथी के चीला बन के आ रहे हैं। दोबारा से चीला को पलट देंगे। देखिए इधर भी चीला अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे कद्दूकस करके पनीर। पनीर को कद्दूकस करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो बिना पनीर के भी आप चीला बना सकते हैं। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। चीला को तवा से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे मेथी और पालक के चीला बन के आए हैं। मेथी और पालक का चीला सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।